ओके, आ क्लब प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड पे उन्होंने ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। रेंट ऑफ प्रेमिसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में उसने पे किया है। रेंट ऑफ प्रेमिसेस पेड इन एडवांस ये होगा करंट एसेट्स में जाएगा, ये उसका प्री पेमेंट्स में जाएगा, करंट एसेट होगा उसका। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर्स भी आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, ये भी एसेट होगा। वेयर विल दीज आइटम्स अपीयर इन द क्लब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। अब किस में कहते हैं जी होगी, अब रेंट पेड इन एडवांस में कैसे जाएगी, करंट एसेट, ये जो रेंट पे किया एडवांस में ये करंट एसेट्स में जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये भी करंट एसेट्स में जाएगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन मेंबर्स की तरफ, दोनों ही करंट एसेट्स हैं। एंड नेक्स्ट, विच 30 नंबर इज, विच इज़ एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, डायरेक्ट कॉस्ट सारी है जी, बी है जी, फैक्ट्री रेंट है जो, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। बाकी कैरेज इनवर्ड्स, ये परचेजेस के ऊपर आप जो कैरेज पे करते हैं परचेजेस में डलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा आपकी मैन्युफैक्चरिंग में भी। और प्रोडक्शन मटेरियल, ये भी प्रोडक्शन मटेरियल है, जैसे प्रोडक्शन करते हैं मटेरियल लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल जिसको कहते हैं। प्रोडक्शन वेजेस, जब प्रोडक्शन करते हैं उसके वेजेस पे करते हैं तो वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। इट मीन्स फैक्ट्री रेंट इज़ द इनडायरेक्ट कॉस्ट। एंड देन 31 नंबर इज, अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ट्रेडर ने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। 1 अगस्त 2016 में कैपिटल उसका था 25,000, और 31 जुलाई को उसने एंड ऑफ द ईयर द एसेट उसने शो किया है 75,000। लाइबिलिटीज इज 36,500। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर की है 7,500। वट वॉज द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2017। अब कहते हैं कि प्रॉफिट ईयर एंड पे कितना था उसका, तो हम देखेंगे। ये डी पार्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन, 21,000 डॉलर। अब कैसे, एसेट्स लेस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल लेस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। अब दोनों इस साइड इज इक्वल करेंगे, इसमें एसेट्स कितने हैं जी, एसेट्स हैं जी 75,000 और लाइबिलिटीज 36,500, ये आ गया जी 38,500। अब कैपिटल कितना है जी 25,000 लेस 7,500 है जी ड्राइंग्स, और इसमें ये साइड अगर इक्वल करनी हो हमें 38,500, तो हमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा 21,000। इट मींस 21,000 इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ डी। एंड 32 नंबर इज़ अ बिजनेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फॉर द ईयर 189,000 डॉलर, परचेजेस फॉर द ईयर 125,000 डॉलर, एंड ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये 25,000 हो गया जी, इसके 25% है कॉस्ट ऑफ सेल्स के। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैसे, कि जो हम लेते हैं जब 25% कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, तो 25 तो हो गया प्रॉफिट, क्योंकि 25% उसने कहा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब जिस पे ले रहे हैं परसेंटेज किसकी हम कर रहे हैं, किसके परसेंटेज के ऊपर ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स 100% होगी तो उसका 25% लेंगे। इट मीन कॉस्ट ऑफ सेल्स 100% होगी और 25% होगा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। और अब आपको पता ही है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। आप सेल्स को अगर एक तरफ रखें, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को उस तरफ ले जाएंगे, वो ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस हो जाएगी। सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब दोनों 100% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 25% ग्रॉस प्रॉफिट है। 100 प्लस 25% 125% हो जाएगी, और सेल्स भी 125% है। तो अब इट मीन्स को वो यो 189,000 है, ये 125% है, और परचेजेस फॉर द ईयर ये है। व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब कह रहा है कि अगर परचेजेस फॉर द ईयर हों 125,000, तो कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, तो 37,800 हो। वी विल सी नेक्स्ट स्लाइड। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ CGS, देन सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट।
अब ग्रॉस प्रॉफिट उसने दिया हुआ है 25%, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की ले रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज, तो ये 100% होगा, क्योंकि इसकी अगर परसेंटेज लें तो ये 100% होगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25% है तो ये 100% होगा, तो सेल्स डेफिनेटली 125% होगी, क्योंकि सेल्स इन दोनों को प्लस करके आती होती है। वी कैन यूज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट बोथ वैल्यूज ऑफ CGS एंड GP। अच्छा, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें आपको भी ये आपकी बुक में तो नहीं लिखा होगा। अच्छा, इसमें हम एक ये बड़ा इजी है, गिवन अमाउंट हो उसकी परसेंटेज कितनी है वो हम ले लेते हैं, ओवर जो उसकी गिवन परसेंटेज है उसको ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड परसेंटेज, कि रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें कितनी चाहिए। जैसे हम ये यहाँ पे देख लेते हैं, 189 है सेल्स है, गिवन अमाउंट है सेल्स की, और उसकी परसेंटेज हमने निकाली हुई है 125 है, 189,000 डिवाइडेड बाय 125, और ये दोनों तो हो गए गिवन है, ये दोनों, ये गिवन अमाउंट है और गिवन परसेंटेज है, और किसकी हमें रिक्वायर्ड किसकी चाहिए जी, 100% किसकी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकालना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम आपके पास आ जाएगी 151,200, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। अब इसको लेस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 37,800, जो कि हमारा ऑप्शन था 37,800 वाला, वो करेक्ट होगा। अब ये देखें, अब दूसरे वाला में इसमें चेक और फिर कल चेक भी कर लें कि अब देखें ये सेल्स ओवर इस परसेंटेज, गिवन अमाउंट ओवर गिवन परसेंटेज, 189,000 ओवर 125, अब मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की कितनी परसेंटेज है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर लें तो इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं 37,800, ये आप कर लें जिससे मर्जी निकाल लें, अगर CGS आपके पास आया उसको लेस करके निकाल लें, इसको चेक करने के लिए आप निकाल सकते हैं। तो ये है जो अमाउंट दी गई है उसको उसकी परसेंटेज के पे कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सेल्स लाइक ये 25% होता सेल्स का, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दी होती तो हम सेल्स को 100% लेते और इसको 75% लेते कॉस्ट ऑफ सेल्स को, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। सेल्स अगर 100% होती तो डेफिनेटली 75 प्लस 25 होता, कॉस्ट ऑफ सेल्स 75% होती और ग्रॉस प्रॉफिट 25% होता। एंड देन 33, डोनाल्ड्स रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर वाज 10 टाइम्स द इन्वेंट्री ऑन 1 जनवरी 2017 वाज $800 एंड द इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2017 वाज $1,000। अब इसका रेट ऑफ इन्वेंट्री 10 टाइम्स था, इन्वेंट्री ऑन 1 जनवरी उसका ये था 800 एंड द इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2017 वाज 1,000। इट मींस के ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है, इन्वेंट्री टर्नओवर दिया गया, व्हाट वर हिज परचेज फॉर द ईयर, उसकी परचेज कितनी है जी 9,200। अब 9,200 है उसकी परचेजेस, कैसे, सी पार्ट इज करेक्ट। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, CGS ओवर एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री को डिवाइड करें CGS पे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे तो हमारे पास आ जाता है दैट इन्वेंट्री टर्नओवर। अब हम दोनों में अब इसकी दिया गया है, एवरेज इन्वेंट्री हमें दे दी गई है, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल सकते हैं कैसे, ओपन इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमें एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। अगर एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्ट दी हो तो हम डायरेक्ट इसमें से पुट कर सकते हैं इसमें। अब 10 टाइम्स इज इक्वल टू CGS ओवर 800 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाई 2, 10 इज इक्वल टू CGS ओवर 900, 900 आ जाएगी, 1,800 डिवाइडेड बाई 2 900 आ जाएगी। अब 900 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 900 आ जाएगा CGS। अब CGS, ये CGS हमारे पास निकल आई, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हम देख लेते हैं, वो CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे पास आ जाती है। अब ये ओपनिंग इन्वेंट्री 800 है, परचेजेज हमने फाइंड आउट करनी थी, परचेजेज 9,200 कैसे आएंगी। अब ये देखें, नीचे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री पे चले जाते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमें दी गई है 1,000 और 9,000 हमने CGS भी निकाल लिया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,000। अगर इस पे 9,000, अब जो
ऊपर 10,000 है, ये दोनों 10,000 में से 1,000 लेस करेंगे तो 9,000 आएगा। इट मीन्स इन दोनों को प्लस करेंगे 10,000 आएगा। 9,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 10,000। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10,000 और 800 में 9,200 का। इट मीन परचेजेज विल बी 9,200 डॉलर्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन है 9,200। एंड देन व्हाट इज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कौन सा है? इसमें होता है जी हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फोरसीएबल फ्यूचर। मीन्स गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये होता है कि हमारा बिजनेस जो है ना वो कंटिन्यू चलता रहेगा और इसमें कोई भी डिस्पोज ऑफ करने की या इसको सेल आउट करने की कोई अभी तक है नहीं, ये ऑपरेट होता रहेगा। ये है, बाकी और डिफरेंट है जी। इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। एंड देन 35 नंबर इज विच अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट इज बीइंग अप्लाइड व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजंस पे कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है जो वो अप्लाई होता है जब डिसीजंस अफेक्ट होते हैं? कंपेरेबिलिटी होती है, रेलिवेंस होता है, रेलिवेंस अफेक्ट करता है, रिमेनिंग जो है ना अंडरस्टैंडेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है और कंपेरेबिलिटी है, और रेलिवेंस होता है कि अब कितने पे बिजनेस अफेक्ट करेगा। जो ऑब्जेक्टिव है इसमें रेलिवेंस होता है कि हर चीज़ रेलिवेंट हो, एक्सपेंस उसके हों, इनकम के, और ये चीज़ें सारी देख के उनको रेलिवेंसी हो उनके दरमियान, जो इंफॉर्मेशंस के दरमियान। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।